लेयर फार्मर अंडे वाली मुर्गियां जो उन्होंने डाली हुई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लाइट शेड्यूल। आपने कितनी लाइट देनी है, किस तरह से लाइट देनी है, लाइट का क्या फायदा होता है, कितने लक्स की लाइट देंगे, कितने घंटे के लिए देंगे, उसमें दिन की रोशनी कितनी हो, एग प्रोडक्शन के ऊपर, अंडों की क्वालिटी, अंडे पैदा करने के ऊपर लाइट का क्या किरदार है, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाए और हम वीडियो की चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। कोई भी अंडे देने वाली मुर्गी है उसकी हम जितनी भी लाइफ स्पैन है उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है एक हफ्ते के ऑप्टिमल होता है, वो है उसकी ब्रूडिंग। 2 हफ्तों से लेके 16 हफ्ते तक उसकी रेयरिंग चलती है, फिर 16 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते तक सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे हम लाइटनिंग शेड्यूल को एडजस्ट करके मुर्गी को अंडे की तरफ लेके आते हैं, ट्रिगर करते हैं उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम को कि वो अंडा देना शुरू करे। और आखिरी पॉइंट है उसकी प्रोडक्शन, जो कि 20वें हफ्ते से लेके मोल्टिंग तक या मुर्गी के जिबा होने तक चलता है। अब इन चारों पॉइंट्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन, क्योंकि हमने ऑस्ट्रोलॉप रखा है, सफेद मुर्गियां हैं, ब्राउन मुर्गियां हैं या कोई भी है, हमने अंडे लेने हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन नहीं हो तो फिर हमारा कारोबार कामयाब नहीं होगा, मुनाफे बख्श नहीं होगा। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लाइट के शेड्यूल को हमने किस तरह ग्रेजुअली बेहतर करना है उसके लिए एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उस चार्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं साथ साथ उर्दू में आपको समझा रहा हूँ। इस चार्ट में एक तरफ दिए गए हैं घंटे, 0, 4 घंटे, 8 घंटे, 12, 16, 20 और 24, और दूसरी तरफ दिए गए हैं लाइन के ऊपर, दूसरा जो लंबी लाइन है उसके ऊपर दिए गए हैं एज इन वीक्स, हफ्तों के अंदर उम्र है, और वो पहले हफ्ते से लेके 73वें हफ्ते 73rd week तक है। आप इसमें देखें जो हमने रेड डॉट्स हैं हमने उसको देखना है, लाल डॉट्स। आप देखें जो पहले हफ्ते में चूजा है यानी कि ब्रूडिंग में है उसको 24 घंटे लाइट दी जा रही, फिर दूसरे हफ्ते के अंदर हम उसकी लाइट को 20 घंटे के ऊपर लेके आ गए हैं, तीसरे हफ्ते के अंदर हम उसको 18 घंटों के ऊपर लेके आ गए हैं, और इसी तरह 5वें हफ्ते के अंदर हम उसको लेके आ गए 16 घंटे के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है इसमें आपका बर्ड अभी ब्रूडिंग से रेयरिंग की तरफ जा रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको करनी है सिमुलेशन। सिमुलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 16 से 20 है। अब उस सिमुलेशन के लिए हम लाइट 16 घंटे देते रहेंगे, 16 घंटे से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, हम आएंगे 15.5 घंटों पे, हम आएंगे 15 घंटों पे, हम आएंगे 14 पे 12 घंटे आप लाइट दे रहे थे, 12 घंटे ऑफ पीरियड था, अब हमने लाइट को यकदम इंक्रीज करना है। वो जो यकदम इंक्रीज है आप देखें 15वें और 17वें हफ्ते के ऊपर, यही वो पॉइंट है जहां पे बर्ड का रिप्रोडक्शन सिस्टम ट्रिगर होगा, वो ऐसा ऐसा अंडे देने के ऊपर आ जाएगी। यही सिमुलेशन है, यही वो थर्ड पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमने लाइट को लेके जाना है दोबारा 14 पे 14.5 पे 15 और 16 घंटे के ऊपर लाके हमने लाइट को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है, और वो एंड तक 16 घंटे ही रहेगी। अब ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, कुछ इलाके पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसे भी होंगे जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे सूरज गुरूब लेट होता है, कुछ शेड ऐसे भी होंगे जहाँ पे दीवारें नहीं हैं, चारों तरफ से वो ओपन है, तो हमने आप वहाँ पे उसको अगर लाइट नहीं देनी तो उसका तरीकाकार यही है कि आपने उसको चारों तरफ से ढक देना है, तरपालें डाल देनी है, शॉपर लगा देना है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बर्ड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा है। इसमें आप देखें ओवरीज पड़ी हुई हैं, उसके बाद इन्फेंडिबुलम जहाँ से अंडा गिरेगा और फिर आगे वो चला जाएगा मैग्नम के अंदर, फिर उसके बाद एस्टिमा है, फिर यूट्रस, ये सारी ओविडक्ट है जहाँ पे अंडा पूरा बन रहा होता है, और फिर यूट्रस। इसके ऊपर भी एक वीडियो चैनल पे पड़ी है और उसका मैं लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अब इसमें देखें आपने 0 घंटे के ऊपर लाइट को ऑफ कर दिया। अब इस ग्राफ को देखें, हमने लाइट बंद करके ट्रिगर किया है बर्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि वो ओवुलेशन की तरफ जाए, और 6 घंटे ओवुलेशन में लगेंगे, 6ठे घंटे में ओवुलेशन होगी, और इस ओवुलेशन से फिर अंडा बनने में टोटल 24 आवर्स का टाइम लगेगा। इसमें आप देखें ग्राफ के अंदर आप ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें देखें 6th hour की यानी 6ठे घंटे में ओवुलेशन हुई है, उसके बाद फिर 12वें घंटे में वो एंड फेंडिबुलम के अंदर आ गया है अंडा, फिर वो ओविडक्ट के अंदर
तीन घंटे मैग्नम में लगेंगे और फिर 1.3 आवर्स एस्थिमा में, फिर यूट्रस में 20 घंटे लगेंगे और उसके बाद 32वें घंटे के अंदर टोटल जब टाइम होगा तो अंडा मुर्गी दे देगी। यानी कि लाइट बंद होने से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रिगर हुआ है और उसके बाद फिर जितना भी प्रोसेस हुआ है वो अंधेरे के अंदर उसने की बॉडी के अंदर सारे अंडे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि लाइट आपने बंद किस तरह से करनी है। अब आपके सामने एक और तस्वीर आ रही होगी, अब आप इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आप देखें 16 घंटे के लिए लाइट ऑन है, 3 घंटे के लिए लाइट ऑफ है, बीच में 2 घंटे का हमने एक पीरियड दिया है। अब ये क्या है ये भी हम देखते हैं। और 3 घंटे के लिए दोबारा हमने लाइट को ऑन किया है। सुबह आपने लाइट ऑन की है 3 बजे, फजर का टाइम बेस्ट टाइम है, 3 बजे आप लाइट ऑन करते हैं। 3 बजे से लेके 3 बजे तक दोपहर आपके हो गए 12 घंटे, 12 घंटे के अंदर 4 घंटे और शामिल करें, आपने 7 बजे तक लाइट ऑन, मगरिब के टाइम आपने लाइट कर देनी है ऑफ, ठीक हो गया। 7 बजे से लेके 7, 8, 9, ठीक है, 3 घंटे आपने देने के बाद एक दरमियान में 2 घंटा, 1 घंटा मस्ट है, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आपने लाइट दोबारा ऑन करनी है। ये जो लाइट ऑन करने का मकसद है इसे हम कहते हैं नाइट लाइट। इसका मकसद यह है कि बर्ड पानी पी ले, उठ के फीड ले ले, जितनी उसको भूख है वो फीड ले ले, पानी पी ले, आपने को मेडिसिन डाली हुई है, आपने कैल्शियम फास्फोरस डाला हुआ है, आपने DCP डाला है फीड के अंदर, पानी के अंदर, वो बर्ड तक मिल जाए। बर्ड भूख की वजह से, बर्ड किसी स्ट्रेस की वजह से अंडे देने का प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। इसमें मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने बर्ड दोबारा से अपने क्रॉप को फिल कर ले, ठीक हो गया। 3 बजे लाइट ऑन करनी है और लाइट आपने 7 बजे ऑफ करनी है, फिर 3 घंटे के बाद आपने घंटा 2 घंटे के लिए ऑन करनी है और उसके बाद फिर आपने ऑफ करके सुबह फिर 3 बजे ऑन करनी है। ये एक लाइटिंग शेड्यूल है। इस 16 घंटे के अंदर आप शुरू से लेके डे ओल्ड चिक से लेके आपने 16 हफ्ते तक इसमें चेंजेस करनी है। पहले 24 घंटे लाइट देनी है, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना है, फिर आपने प्रोडक्शन के ऊपर आके 16 घंटे पे मेंटेन कर लेना है। अब हमने लाइट देनी कौन सी है, कितने लक्स की लाइट देनी है। जो ओपन फार्मर्स हैं उनमें मेरी अक्सर फार्मर से बात होती है, वो सारा सारा दिन सूरज की रोशनी पड़ती लेते, लेकिन अगर आपका शेड डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है तो ज्यादा लाइट प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगी, आपका बर्ड स्ट्रेस में जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम स्ट्रेस में चला जाएगा। तो आपने लाइट की इंटेंसिटी को कम रखना है। ओपन शेड है तो आप पर्दा लगाएं, अगर आपको कंट्रोल शेड है फिर इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। आर्टिफिशियल लाइट आपने 5 से 10 लक्स की देनी है जब आपका बर्ड प्रोडक्शन के ऊपर है। वार्म लाइट लेनी है, येलो कलर की लाइट लेनी है। अंडा लेने के लिए, अंडे की प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइट देना बहुत जरूरी है। लाइट रिप्रोडक्शन सिस्टम को इंक्रीज करेगी। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी कि लाइट के ऊपर अक्सर सवाल हो रहे थे, मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइट को हमने किस तरह से मैनेज करना है, एग प्रोडक्शन को किस तरह से बेहतर करना है। वीडियो अगर अभी तक ने लाइक नहीं की लाइक करें उसको, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल कलर में ना सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, इस वजह से आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो आप जीमेल का अकाउंट बना, अकाउंट बन जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में अपनी याद रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।